भाई मैं हूँ, बदतमीज हूँ, बुरा हूँ, बेवकूफ हूँ। तो उसी सिलसिले में उसी सिलसिले का एक ख्याल था जिसका उन्वान यानी टाइटल है बाटा। तो कुछ यूं था कि आजकल बहुत ब्रांडेड हूं मैं, आजकल बहुत ब्रांडेड हूं मैं, दिल नाइकी का, जज्बात एडिडास के, ख्वाहिशें बेनिटन की। आजकल बहुत ब्रांडेड हूं मैं, दिल नाइकी का, जज्बात एडिडास के, ख्वाहिशें बेनिटन की, पर तुम्हारी बेवफाई का दर्द आज मिसाल बाटा वाला ही है। एक गजल आप सबके सामने रखने की कोशिश के शेर देखिएगा कि न किसी से बात करता है न किसी से कहता है, न किसी से बात करता है न किसी से कहता है, कितना अजीब शख्स है हमेशा घर में रहता है। कितना अजीब शख्स है हमेशा घर में रहता था, हमेशा घर में रहता है, और जिस जगह पर मैं कभी प्यासा मर गया था, जिस जगह पर इसका देखिए जिस जगह पर मैं कभी प्यासा मर गया था, सुना है आजकल वहां कोई दरिया आदतन बहता है। सुना है आजकल कोई दरिया वहां आदतन बहता है। शेर देखिएगा कि न जाने आजकल मुझे मोहब्बतें क्यों नहीं होती, न जाने आजकल मुझे मोहब्बतें क्यों नहीं होती, और जो हो भी जाए तो दिन अजीब सा रहता है, और जो हो भी जाए तो दिन अजीब सा रहता है। आखिरी शेर है कि मुझसे बेहतर उसे कोई और मिल नहीं सकता, बेहतर उसे कोई और मिल नहीं सकता, ये मुगालता बेवफाई का नतीजतन रहता है, ये मुगालता बेवफाई का नतीजतन रहता है। जी एक ख्याल आप सबके सामने, इसमें मैं फर्स्ट लव इज माय रेंटेड अपार्टमेंट, मेरा किराए का कमरा मेरी महबूबा है, उसके बारे में मैंने बहुत कुछ लिखा है, बहुत क्लोज करता हूँ फेसबुक ट्विटर पे। तो उसी सिलसिले में एक ख्याल था कि कल मेरे किराए के कमरे ने मेरे पीछे चोरी से बची हुई शराब पी। जब रिहर्सल्स के बाद घर लौटा तो पहली बार ऊंची आवाज में बोला, गुस्से से बोला, कभी इस लड़की के घर स्टे करते हो, कभी उस लड़की के साथ नाइट आउट, कभी तो मुझे भी गाहे बगाहे घर कह दिया करो यार, दीवारों ने सुला कर, दीवारों ने वाह 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 बहुत ने कहा कोई बात नहीं, फर्श बोला रात हो गई है सुबह वाला, छत ने कहा कोई बात नहीं, फर्श बोला रात हो गई है सुबह लड़ना, और फिर मैं और मेरा किराए का कमरा एक दूसरे को आगोश में लेकर देर शाम तक रोए, इस बात को पूरा एक दिन हो गया है, पर मेरी आंखें अभी भी मसौदी हैं और मेरे किराए के कमरों की दीवारों में अभी भी सीलन है। क्या बात है जी, मेरी रिक्वेस्ट है तुम्हें उर्दू सोचते। अच्छा जी, वो गजल इन्होंने जैसी फरमाइश रखी कि जी वो था गजल का पहला शेर था कि तुम्हें उर्दू सोचकर मुकम्मल अल्फाज बना लेता हूँ, तुम्हें उर्दू सोचकर मुकम्मल अल्फाज बना लेता हूँ, मैं सहरा में रहकर पानी का जहाज बना लेता हूँ, पानी का जहाज बना लेता हूँ, और मौसिकी कहते हैं म्यूजिक को, कब तलक इस किराए की मौसिकी से राब्ता बिठाएं, रिलेशनशिप कब तलक इस किराए की मौसिकी से राब्ता बिठाएं, कुछ तुम गुनगुनाओ कुछ मैं आवाज बना लेता हूँ। एक ख्याल था वो आपके सामने ऐसा था कि बच्चों को खेलता देख कर दिल मुतमईन होता है, सैटिस्फैक्शन हो जाता है, बच्चों को खेलता देख कर दिल मुतमईन होता है, परवाज ऊंची हो जाए तो परिंदा ज़हीन होता है, परवाज ऊंची हो जाए तो परिंदा ज़हीन होता है, और नई किताबें पढ़कर मेरे तो ख्याल ही बदल गए, खुदा के कुफ्र से बड़ा खुदा का यकीन होता है, और नए सफर पर निकलो तो रोशनी साथ ले लेना, जो कांटा पैर में चुभता है वो अक्सर महीन होता है। वाह वाह, अपनी बात को खत्म करने की कोशिश करूंगा जी। इस ख्याल का जो उन्वान है, हालांकि इसका कोई उन्वान नहीं है, बट ऑफकोर्स अगर आप लोग इतना जोर दे रहे हैं तो इसका उन्वान चांद पर किराए का कमरा। वाह जी, तो ऐसा था कि सोचता हूँ चांद पर एक किराए का कमरा ले, सोचता हूँ चांद पर एक किराए का कमरा ले लूं, यहां जमीन पर सबको पता चल चुका है।